यहाँ पे आप लोग देखोगे ना भाई, इसका पूरा जो लुक है ना ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेम सेम है। देखो यहाँ पे कुछ कर रही है। और इंडिया में अगर आप लोग कंपेयर करोगे 156 GB इंडिया में मेरे हिसाब से 1.5 लाख के आसपास पड़ता है, और यहाँ पे कम से कम 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हो घूमता इंसान चैनल। तो राइट नाउ मैं हूँ जापान में, हमारा आज दूसरा दिन है और आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं यहाँ का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। और हम लोग इंडिया में क्या जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में टॉप पे है, और ये बात भी सही है कि जापान जो है वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप पे आता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने इस कंट्री में एंट्री ली ना, हम लोगों को देख के ऐसा लगा ही नहीं कि ये कंट्री इतना एडवांस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को ऐसा ज़्यादा डेवलपमेंट काइंड चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। लोगों को यहाँ पे हाउस इस तरीके से छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से घर देखने को मिलेंगे। और सबसे शॉकिंग जो मुझे यहाँ पे लगा, यहाँ पे लोग टीवी टावर यूज़ करते हैं जो कि आज से हम लोग 20 साल पहले यूज़ करते थे। और कुछ ऐसी मशीनें जो जैसे यहाँ पे लोग डीवीडी आज भी डीवीडी यूज़ करते हैं, और हम लोगों ने आज से 5-7 साल पहले डीवीडी ख़त्म कर दिया है। और ये देखो लोकल लोग इस तरीके की कुछ ड्रेस वगैरह डालते हैं। यहाँ पे कल कुछ फेस्टिवल होने वाला है, तो हम लोग आप लोगों को फेस्टिवल भी दिखाएंगे किस तरीके का फेस्टिवल होता है। ये देखो यहाँ पे कोई लोकल फेस्टिवल होने वाला है यहाँ पे, तो ये जैपनीज ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये देखो आप देख सकते हो। और आप लोग इस कंट्री में जो मुझे सबसे कमाल की चीज लगी वो है, इसको देखने से आपको लगेगा कि आप लोग थाईलैंड में आ गए हो, इतना एडवांस ये कंट्री बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर आप लोग थोड़े आउटर एरिया में रह रहे हो, जैसे टोक्यो में रह रहे हो, तो टोक्यो में अगर आप मेन एरिया में जैसे अकाबरा या फिर कौन सी जगह थी जहाँ पे अपन कल गए थे, शिंजुकू, हाँ या फिर शिंजुकू जाओगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग जापान में हो, टोक्यो में हो। अगर आप आउटर साइड में रह रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा यार जापान इतना डेवलप तो नहीं है और इतना एडवांस नहीं है। मैं तो शुरू में आया, मैं सुजल लोगों को क्या दिखता है जापान में, सही बता रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल सा लगता है, थाईलैंड में घूम रहा हूँ, थाईलैंड ही गलियों में। एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से देखते ना, तब मालूम चलता है हाँ यार यहाँ पे है हकीकत में एडवांस ये लोग। हर चीजों को ना बड़े सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं ये लोग, हर सिस्टम मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। और सबसे कमाल की चीज ये लगी कि इनका जो पूरा सिस्टम है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कह सकता हूँ मतलब हमारे एक्सपीरियंस से कि जापान का मेट्रो सिस्टम और जो ट्रेन सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे टिकट लेने में भी आप लोगों को काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा, और अगर आप लोग इधर ही अगर आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहां पे भी आप लोगों को कोई काउंटर नहीं देखने को मिलेगा, एक मशीन सी डाल रखी है तभी आप लोग टिकट कर सकते हो, तो काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। अभी सुबह के नज़ारे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बहुत साफ सफाई मिलेगी भाई, बहुत ज्यादा साफ सफाई मिलेगी, और लोगों ने अपने घर के आगे इस तरीके से पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। ऐसे आप लोगों को जापान में भी टैक्सी देखने को मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की जो सबसे महंगी टैक्सी है वो यहीं पे चलती है, ये एस राइड चलती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, 15,000-20,000 युआन लग जाते हैं, जो कि सुपर एक्सपेंसिव है। यहाँ पे 4 मिलियन से ज्यादा वेंडिंग मशीन है, आप सोचो यार हर कॉर्नर में वेंडिंग मशीन लगी हुई है, हर कॉर्नर में। आप लोग जापान में आओगे ना, तो आप लोग जापान में जो मेट्रो है वो मेट्रो सबवे वो ऊपर ही दिखेगा, पुल पे दिखेगा, ये लोग अंडरग्राउंड में नहीं बनाते, उसके पीछे का भी रीजन है। यहाँ पे क्या ये लोग मेट्रो अंडरग्राउंड में इसीलिए नहीं बनाते, बिकॉज आपको पता होगा जापान में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है जापान में, और जो जापान में ओकिनावा जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा ओल्ड एज पीपल रहते हैं, उस जगह पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो यही एक रीजन है कि जापान में जितनी भी मेट्रो सबवे है वो अंडरग्राउंड में नहीं, अंडरग्राउंड में जहाँ उनको ऐसा लगता है ना कि यार यहाँ पे ऊपर से जा नहीं सकती, वहीं पे इन्होंने थोड़ी सी देर के लिए सबवे बना रखा है नीचे से। बाकी जितने भी यहाँ के मेट्रो हैं वो सारे के सारे आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि काफी न्यू था हमारे लिए, बिकॉज हर कंट्री में मेट्रो उन्होंने अंडरग्राउंड बना रखा था कि जो ऊपर बिल्डिंगें वगैरह उनको दिक्कत ना हो, बिकॉज जगह बस्ती है और अंडरग्राउंड में रहते तो अंडरग्राउंड में मेट्रो वगैरह पूरा बन जाता है। जैसे अब हम लोग चाइना जाएं, अपने इंडिया में देखें, जितने भी मेट्रो स्टेशन है वो सारे के सारे अंडरग्राउंड में है, ऊपर में तो है ही नहीं। अगर आप लोग जापान में आ रहे हो और आप यहाँ के बजट होटल में रुकना चाहते हो, तो आपको रिकमेंड करूँगा एपी होटल। $50-$40 में आप लोग 2 आदमी ले सकते हो, और बहुत बड़ा होटल है ये, बिकॉज जापान में ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन
सुपर एक्सपेंसिव। अगर आप लोग हॉस्टल में भी रुक रहे हो तो हॉस्टल में आप लोगों को $25 लगेंगे जो कि बहुत एक्सपेंसिव। और अगर आप पीक सीजन में आ रहे हो तो पीक सीजन तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो आप लोग APA होटल को चेक कर सकते हो, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। तो गाइस फाइनली हम लोग अकियाबरा के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पहुंच गए और यहाँ पे आप लोगों को मेट्रो देखने को मिल जाएगी, बुलेट ट्रेनें भी देखने को मिल जाएंगी। और देखो यार यहाँ पे जो मेट्रो है वो डबल डेकर भी है, देखो डबल डेकर मेट्रो भी देखने को मिल जाएगी। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है। और ये जो आप लोग मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हो, जैसे मैंने आप लोगों को शेंजन मार्केट दिखाया था उसी तरीके से यहाँ पे हर फ्लोर में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग जापान में आते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेट्रो पास जरूर बाय कर लीजिएगा, बिकॉज मेट्रो पास से आप लोगों को थोड़ा सा रीजनेबल हो जाता है। बिकॉज अगर आप लोग हर रूट के लिए अलग अलग से टिकट बाय करोगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो आप लोग मेट्रो पास लेके आइएगा और GR पास भी लेके आइएगा। GR पास हालांकि सुपर एक्सपेंसिव है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई जिसकी कोई हद नहीं है। अक्टूबर 2023 के बाद में यहाँ पे जो GR पास था उसका प्राइस अराउंड 70% के आसपास हाइक कर दिया था। और चलते हैं इसके अंदर। और हाँ एक चीज और, अगर आप लोग जापान में आते हो तो यहाँ का जो मैकडोनल्ड्स है वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट है। आप लोग मैकडोनल्ड्स में खाओगे तो आप लोगों को अदर कंट्री के कंपैरिजन में 30-40% चीपर प्राइस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में और आप लोगों को दिखाते हैं जापान में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कितने सस्ते मिलते हैं। गाइस आप लोग जापान में आओगे ना यार, यहाँ पे जो सबसे कमाल की चीज जो मुझे लगी वो यहाँ की ये मशीनें लगी है। हर मशीन के अंदर है ना कुछ कुछ एनिमेटेड गैजेट्स और छोटे छोटे खिलौने, और ये देखो इनको सबको डाल रखा है। तो आप लोग यहाँ पे पैसे डालो, जैसे ये है यहाँ पे 300 युआन डालोगे ना तो यहाँ पे 300 युआन का कॉइन डालना और इसको घुमाओगे ना तो यहाँ से वो बॉल निकल के आती है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो और ये हर स्ट्रीट पे देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को दिखाता हूँ यार, ये देखो हर स्ट्रीट में 400 युआन 300 युआन अलग अलग प्राइस की है। ये सबसे कमाल की चीज है जो कि आपको जापान में देखने को मिलेगी। जैसे एंटर करोगे ना आप लोग यहाँ पे प्रमोशन के स्टिकर्स देखने को मिलेंगे पूरे अंदर ही अंदर। ये देखो यहाँ पे पूरा प्रमोशन कर रखा है। और इधर देखोगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेस्क है जहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी देखो कितना सारा प्रमोशन कर रखा है, 30% 13% गोल्ड पॉइंट कार्ड से। ये देखो भाई ये यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, देखने में ही बहुत यूनिक लग रहा है भाई। इतना प्रमोशन कौन करता है, इन्होंने हर कॉर्नर में प्रमोशन कर रखा है, हर कॉर्नर में। गाइस आप लोग जापान में आओगे ना यहाँ पे लोगों का डिसिप्लिन देखो, ये देखो ये जो लोग हैं ये बिल्कुल एक लाइन में खड़े हैं और ये पूरी लाइन छोड़ रखी है। और अगर आप मेरे पीछे देखोगे यहाँ पे भी भाई लोग एक लाइन में हैं। अब इंडिया में होता ना तो भाई साहब लोग ऊपर नीचे चढ़ जाते एक दूसरे के, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी यार, लोग एक साइड में खड़े रहते हैं यहाँ पे। इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आओगे ना तो यहाँ पे एक सबसे कमाल की चीज मुझे यहाँ पे लगी है। देखो यहाँ पे हम लोग आईफोन का प्राइस देख रहे थे तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, यहाँ पे प्राइस वगैरह मेंशन कर रखे हैं लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखा रहा था। तो ये भाई आया हम लोगों को बोलता है, इज्जत से हमारे लिए कुर्सियां पीछे की और बोला यहाँ पे बैठो और अभी हम लोगों को यहाँ पे इज्जत से समझाएगा। पेपर पेन लेके आया, अपना लैपटॉप लेके आया, सारी चीजें पेन से एक्सप्लेन करेगा। तो गाइज अभी हम लोग आए यहाँ पे जापान के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, तो आप लोगों को यहाँ का प्राइस बताता हूँ आईफोन वगैरह के, बिकॉज इंडिया में जो आईफोन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आपको पता होगा इंडिया में आईफोन 15 प्रो मैक्स और जो नॉर्मल आईफोन 15 है उनका प्राइस $100 इंक्रीज कर दिया था आईफोन 14 के कंपेयर में। तो यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स का प्राइस आप लोगों को बताने वाला हूँ, 256 GB का प्राइस यहाँ पे दिखा रखा है, लगभग 190,000 युआन का, जो कि अपने इंडिया में मोटा मोटी इंडिया में 1,01,000 के आसपास होता है कि जापान में 1,22,000 के आसपास प्राइस है। और 1 TB जो है वो यहाँ पे 1,33,000 का पड़ रहा है। और इंडिया में अगर आप लोग कंपेयर करोगे 156 GB इंडिया में मेरे हिसाब से 1.5 लाख के आसपास पड़ता है और यहाँ पे कम से कम 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। और सेम 512 GB है जो इंडिया में 1,60,000 का पड़ रहा है और यहाँ पे 1,14,000 का पड़ रहा है। तो आप लोग सोचो 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब जापान में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट आईफोन मिलते हैं। US के बाद आप लोगों को जापान में ही सबसे ज़्यादा चीपेस्ट आईफोन देखने को मिलेंगे। और दुबई में अगर जाते हो तो दुबई में आप लोगों को शायद यही आईफोन 1,10,000 1,12,000 के आसपास पड़ेगा, तो दुबई में मे भी 10,000 ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इधर
अगर आप लोग जापान में आते हो, जापान में आप लोगों को सिर्फ आईफोन का प्राइस चीपेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग एयरपोर्ट्स की बात करोगे तो एयरपोर्ट्स के प्राइस इंडिया के बराबर ही है, यहाँ पे एक रुपया भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट्स प्रो सेकेंड जनरेशन का, जो कि इंडिया में अराउंड 20,000 के आसपास है, और यहाँ पे भी सेम 20,000 का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ये सोच के आओ कि मैं जापान जाके एयरपोर्ट प्रो खरीद लूँगा, तो शायद मेरे को लगता है कि आप लोग गलत सोच रहे हो। यहाँ पे सेम प्राइस देखने को मिलने वाला आप लोगों को। और गाइस जापान में एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है, यहाँ पे आप लोग स्टोर देख रहे हो, ये रियल एप्पल स्टोर है, और साइड में जो शॉप्स लगा रखी है जहाँ पे आप लोगों को एप्पल के आईपैड देखने को मिल जाएंगे और आईफोन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप बाय नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप लोगों के पास रेजिडेंसी कार्ड है तभी आप लोग बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को एज अ विजिटर ये लोग फ़ोन नहीं देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिशियल स्टोर से बाय कर सकते हो, बाकी टैक्स फ्री है। अगर यहाँ पे एप्पल स्टोर में जाओगे वो टैक्स फ्री एकदम। एज ऑलवेज जापान जो है वो गेमिंग के लिए बिल्कुल टॉप पे है, तो यहाँ पे आप लोगों को गेमिंग गैजेट्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जो कि लोग बहुत बाय करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे लोकल के घर में भी जाओगे ना, सारे लोग गेम खेलते रहते हैं और गेम में ही सारे घुसे रहते हैं। ये देखो इस तरीके से गेम वगैरह खेल सकते हो, तो गेमिंग में भाई साहब टॉप पे है। देखो यहाँ पे आप लोगों को अलग से गेम देखने को मिल जाएगी, और गेमिंग लैपटॉप भी है यहाँ पे, आप लोगों को बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को एक सबसे कमाल की चीज दिखाता हूँ, ये हमने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा देखी है, पिक्सो 4। एक्चुअली ये क्या काम करती है, आप लोग रियल वर्ल्ड के अंदर एनिमेटेड वर्ल्ड को फील कर सकते हो। तो इसको आप लोग इस तरीके से है, इसको इस तरीके से लगाओगे ना तो आप लोगों को पूरा एक एनिमेटेड वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे कमाल की चीज़ मुझे लगी यहाँ पे, और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा ही है। अगर आप लोग एप्पल का बाय करते हो, एप्पल का मेरे हिसाब से इंडिया में 2-2.5 लाख से ऊपर ज़्यादा प्राइस है, और इसका प्राइस यहाँ पे लगभग 50,000 युआन के आसपास है। हाँ, ये लगभग 50,000 युआन के आसपास है, जो कि इंडिया के मेरे हिसाब से 30,000 के आसपास पड़ेगा। तो ये पता नहीं कोई पिक्सो कोई कंपनी है, लेकिन एप्पल का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एप्पल का 1.5-2 लाख के आसपास पड़ता है। ये देखो डोरेमोन की ये मूवी देखने को मिल जाएंगी, बताना मेरे को किस किस ने डोरेमोन की ये मूवी देखी है। ये डोरेमोन की मैं दोनों मूवियाँ देख चुका हूँ, और ये छिनचैन, अभी हम लोग छिनचैन के गांव भी जाने वाले हैं। आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ भाई, यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे टॉम एंड जेरी चल रहा है भाई, बहुत कुछ है यार यहाँ पे। ये देखो द लिटल बॉस, बेबी बॉस, लिटल बॉस नहीं बेबी बॉस। गाइज आप लोगों को जापान में है ना गोप्रो के प्राइस भी काफ़ी चीपेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को लेटेस्ट वन दिखाता हूँ, ये गोप्रो हीरो 12 है, जो कि अपने को अराउंड, ये देखो ये प्राइस, ये अराउंड 32-33,000 के आसपास मिल जाएगा, और मेरे को जितना पता है इंडिया में इसका प्राइस 50-55,000 चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग गोप्रो भी काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। जापान में आया हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जियान का माइक भी खरीद लेना चाहिए। ये जियान का माइक है, जियान गाता है ना, मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला ऐसे करके गाता है ना, बहुत सुरीला बेसुर गाता है। तो ये वही माइक है, एग्जैक्टली सेम माइक है। और यहाँ पे आप लोगों को सब्जी बकरी भी ये भी मिल जाएंगे, देखो आप लोग इससे, अच्छा ये देखो इससे लिख भी सकते हो, ये मोटा जियान बना दिया भाई, और इससे रेस भी कर सकते हो ना, ये देखो आप लोग ये दबाओगे, छोटे छोटे कैमरे देखने को मिल जाएंगे, क्यूट से, मतलब चीज़ें बहुत प्रोडक्टिव है यहाँ पे सारी की सारी, बच्चों के लिए खेलने की सारी चीज़ें। मार्केट देख रहे हो ना मेरे पीछे, ये पूरा खिलौनों का मार्केट है। और गाइस ये देख लो ये पूरा स्टोर है ना, यहाँ पे जितने भी अपन ने कार्टून देखे ना, सारे के सारे कार्टून के यहाँ पे आप लोगों को CD DVD देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे उनके एनिमेशन बना रखे हैं, यहाँ पे टॉयज देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे आप लोगों को जो रियल एनिमे करेक्टर है वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता होगा भाई, आपने बहुत सारी जैपनीज मूवी देखी होंगी, उसमें कुछ इस तरीके के जो एनिमे करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे देखने को मिलते होंगे यहाँ पे भाई, इसी तरीके के एडल्ट्री एनिमे करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। आप लोग आने वाली वीडियोज़ में भी दिखाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे जापान के अंदर। हाथ ये पता नहीं मुझे नाम भूल गया, किसी मूवी के अंदर है ना, ये विलन रहते हैं तो सबको मारते हैं ये।
मारियो के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जापान में आओगे ना भाई, ये चीज मैं कह रहा हूँ कि भाई जो एनिमे करेक्टर्स हैं और जो अपन ने कार्टून्स देखे हैं ना और जो जितनी भी गेम्स हैं वो इतनी पॉपुलर है यहाँ पे, आप लोगों को पूरे स्टोर में यही कुछ देखने को मिलेगा। तो जापान में भाई गेमिंग का जो चलन है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। अपने इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गेमिंग के नाम पे लोगों ने क्या क्या बना रखा है, छोटी छोटी चीजें बना रखी है गेमिंग के नाम पे। और आप लोगों को जो गेमिंग करेक्टर है उनमें उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे टॉयज देखने को मिल जाएंगे, आप लोग अपने बच्चे को खुश कर सकते हो। ये देखो तो गाइज अभी मैं आप लोगों को लेके आया हूँ यहाँ का सबसे बड़ा जो गेमिंग वर्ल्ड है वहां पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी गेमिंग के जो गैजेट्स हैं या फिर आप लोग बात कर लो एनिमे करेक्टर्स हैं उनके, यहाँ पे आप लोगों को स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे प्ले स्टेशन 5 है, ये देखो ये प्ले स्टेशन 5 है आप लोगों के सामने। प्राइस का तो यहाँ पे मेंशन कर नहीं रखा, अदरवाइज मैं आपको बताता कि प्ले स्टेशन 5 का प्राइस क्या है। आप लोग देखो भाई सारे गेमिंग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ये देखो ये पूरा गेमिंग। आपने इसमें से कुछ करेक्टर देखे होंगे जो कभी गेम खेल रखी होगी, मुझे बताना इनमें से कौन कौन सी गेम खेल रखी है। मैंने ये भी गेम खेल रखी है। और जैसे आप लोग एंट्री लोगे ना यहाँ पे गेमिंग गैजेट्स मिल जाएंगे, ये सारे के सारे आप लोग कंट्रोलर मिल जाएंगे, आप लोग इनसे गेम खेल सकते हैं। MSI के लैपटॉप और MSI के ये जो गेमिंग पैड है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। और यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप है, ये सारे के सारे गेमिंग लैपटॉप। आप डिज़ाइन देखो भाई गेमिंग लैपटॉप का, क्या शानदार डिज़ाइन दे रखा है। ये पूरे के पूरे गेमिंग लैपटॉप्स हैं यहाँ पे। और ये माइक देखने को मिल जाएंगे भाई, बहुत सारे प्रोडक्ट है यार, आप लोगों को जो चाहिए ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप लोगों को रियल गेमिंग फील लेनी है तो भाई इसको माथे पे लगा के ये कंट्रोलर डालो और यहाँ से कंट्रोल वगैरह कर सकते हो भाई। ये चीज़ें बड़ी कमाल की हैं, जो गेम खेलता है ना वही समझ सकता है ये चीज़ें। हमने तो गेम खेलना छोड़ दिया भाई। ये देखो ये सारे के सारे कंट्रोलर, आप लोग रियल फील ले सकते हैं इनके अंदर से। ये देखो ना जितने भी आप लोग यहाँ पे लोग देखो ना, जैपनीज लोग देखने को मिलेंगे, जो एक्साइटमेंट देखो आप लोग बंदों की भाई, इनको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों की। और ये PS5 की DVD, ये देखो ग्रैंड थी फोटो 5। बताना कमेंट करके बताना कौन कौन खेल चुका है ये गेम। ये गेम भी बड़ी कमाल की है, द लास्ट ऑफ अस। और सही है यार, यहाँ पे चीजें बड़ी कमाल की हैं। ओ भाई ये देखो ये रियल कंट्रोलर, यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। शायद ये इंडिया में बंद हो गया मेरे हिसाब से, कमेंट करके बताना कौन कौन अभी भी ये यूज करता है घर पे। लेकिन इंडिया में तो बंद हो गया, यहाँ पे भाई आज भी लोग है ना पुराने जो प्रोडक्ट्स थे ना वो आज भी यूज करते, और अपने इंडिया में सब छोड़ दिया हम लोगों ने। हम लोग नीचे जा रहे थे तो ये कमाल की चीज देखने को मिली है। ये पता नहीं कपड़े हिल क्यों रहे हैं, लेकिन लॉजिक से मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक ड्रायर है, यहाँ पे आप लोग गीले कपड़े रख सकते हो। ये देखो गीले जूते वगैरह सब रख सकते हो और इसको सिंपल बंद कर सकते हो। तो इसको बंद कर दोगे उसके बाद ये देखो ना यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हो। तो जिनके घर में जगह की कमी है ना वो इसका यूज करते हैं। और जापान में क्या है कि मेन जगह की कमी है, अगर आप लोग जापानीज घर देखोगे ना वहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे बाथरूम बना रखे, तो आप लोग इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करके कपड़े सुखा सकते हो। तो काफी बढ़िया चीज है, लेकिन है कितने का ही देखने दो, 3,19,000 का, मतलब 2.5 लाख के आसपास है ये जो चीज है, 1.25 लाख का है। सोचो भाई लोग सिर्फ 2-4 कपड़े सुखाने के लिए इसका यूज करेंगे। हेलो हाउ आर यू हेलो भाई, ये बोलती भी यहाँ पे रोबोट, आप लोग काफी सारे रोबोट देखने को मिल जाएंगे। गाइज आप लोगों को जापान के जो टॉयलेट होते हैं वो इतने यूनिक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना भाई, जापान के टॉयलेट सबसे ज्यादा यूनिक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जापान के टॉयलेट कुछ इस तरीके से होते हैं और यहाँ पे सारे कंट्रोलर रहते हैं। ये देखो आप लोग हगोगे ना तो उसके बाद में यहाँ पे पिचकारी मारेगा, ये भी अलग तरीके से पिचकारी मारेगा, और जैसे ही आप लोग धोलोगे उसके बाद में ये ड्रायर है, यहाँ से हवा मार के आपका जो पिछवाड़ा है वो सुखा देता है। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत कमाल की लगी। यहाँ पे कंट्रोलर वाले लेटरिंग है, तो अगर आप जापान में आओगे ना पूरे जापान में आप लोगों को कंट्रोलर वाले ये लैटरिंग देखने को मिलेंगे, जो कि आपका पिछवाड़ा भी सुखाएंगे, पिछवाड़ा धोएंगे भी, तो आपको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रोबोट क्लीनर भी देखने को मिल जाएंगे, देखो ये रोबोट क्लीनर है, तो ये यहाँ से इनका यूज कर सकते हो और ये निकल के आपके साफ सफाई करते हैं। तो ये चीज काफी कमाल की, यहाँ पे रोबोट क्लीनर है,
ये देखो इन्होंने रोबोट को खोल रखा है, इसका काम चल रहा होगा शायद। ये सारे के सारे रोबोट क्लीनर है, देखो ये जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक रोबोट क्लीनर है, ये भी ऑटोमेटिक रोबोट क्लीनर है, अलग अलग कंपनी के हैं ये सारे के सारे। भाई लोग गेमिंग में देखो कितने ज्यादा पागल है। तो इस लड़की का मैं आप लोगों को थोड़ा सा लुक दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना भाई, इसका पूरा जो लुक है ना ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेम सेम है। ये देखो नीचे का सेम है और यहाँ पे पोकेमोन है और ये सिर पे भी कुछ कुछ लगा रखा है। भाई साहब मैं लड़की को देख के हैरान हो गया यार। पाउच देखो कि पाउच भी इसका पोकेमोन का है और ऊपर भी पोकेमोन का। गाइस यहाँ पे सबसे कमाल की चीज है ना मुझे ये लगी, यहाँ पे लोग भाई गेम को लेके इतने पागल है ना, गेम को भाई सब लोगों की ऐसा है जैसे जान बसती है गेमिंग के अंदर। तो ये लड़की का आप लोग थीम देख रहे थे ना, पूरा पोकेमोन पे थीम था, तो उसने उससे रिलेटेड कपड़े पहन रखे थे, उसका पाउच भी उससे रिलेटेड था, तो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ऐसे आप लोग एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, ये देखो कोई जैसे कोई बच्चा यहाँ पे कार चला के ले आया ना भाई, कितनी सी कार है, जापान में भी है ना इससे बड़ी कार थी। ये देखो ये जापानीज कार है, छोटी सी है। टायर देखो, मैं टायर बताऊं तो मेरे हाथ जित आधे हाथ जितने टायर है ये। भाई आप लोग तो इधर देखो, लोग गेमिंग के पीछे बावड़े हो रखे हैं भाई। ओ माय गॉड भाई साहब, ये देख तो सही, सारे के सारे गेमिंग खेल रहे हैं भाई, पगली पागल हो रखी है। और पता नहीं कौन सी गेम है, ये देखो यहाँ से सिक्के कॉइन कुछ निकल रहे हैं और ये यहाँ से गेमिंग खेले जा रहे हैं। ये देखो भाई साहब ये है, देखो इसको जापान बोलते हैं। देखो ना भाई अलग अलग तरीके गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली ये क्या चीज है, लेकिन कुछ कुछ कॉइन निकल रहे हैं यहाँ पे और खट 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 बहुत सारी आवाज आ रही है और ऊपर पॉइंट्स निकल रहे हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड भाई ये नेक्स्ट लेवल चीज है, ये देखो कुछ तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे। भाई आप लोग देखोगे ना ये यहाँ पे कंट्रोलर और यहाँ पे कुछ कुछ निकल रहे हैं, ये जो लड़की है ना ये यहाँ पे कुछ कर रही है। एक्चुअली व्हाट इज दिस, यू हैव टू सिलेक्ट कॉइन्स, इसका कुछ पता नहीं भाई। तो गाइज अभी आप लोगों को मैं एक और सट्टा बाजार में लेके आया हूँ भाई साहब। कल हम लोगों ने ना 600 यान खर्च कर दिए थे इस सट्टे के चक्कर में। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को मैं बताऊँ, 100 युआन का आपको देते हैं, जैसे आप लोग इसमें डालोगे ना ये मशीन आएगी, एक बार तो इधर करने के लिए, एक बार तो इधर करने के लिए आपको बोलेगा, एक बार इधर करने के लिए बोलेगा, और एडजस्ट करके आप लोगों को गुड्डा उठाना पड़ता है। तो इसमें क्या कमाएगा यार आदमी, ये देखो यहाँ पे रखा रहता है तो ये गिरता नहीं है। बहुत सारे हैं भाई अलग अलग काइंड के प्रोडक्ट्स हैं, देखो इसको भी आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पे ये देखो ये हवा मारने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सबका प्राइस सेम है, 100 युआन है बस। ये देखो ये लड़कियाँ कुछ कुछ खेल रही है इसके अंदर। अभी ये लोग है ना इसमें कॉइन डालेंगे, 100 कॉइन डालेंगे और ये अपने आप निकलेगा यहाँ से। तो भाई ये जो आप लोग मार्केट देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरा जो मार्केट है ये पूरा गेमिंग हब है, मैं कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा गेमिंग हब है। यहाँ पे आप लोगों को वेंडिंग मशीन मिलेगी, वहाँ पे भी आप लोगों को गेमिंग के रिलेटेड खिलौने देखने को मिल जाएंगे। ये देखो भाई क्या अलग ही बकैती को रखी है यहाँ पे, और इसके अंदर से कुछ कार्ड मिलते हैं, मेरे को लगता है ये गेम खेलने के लिए 1000 यान का कार्ड है। देखो ना यार यहाँ लास्ट तक आप लोगों को ये वेंडिंग मशीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे अजीबोगरीब प्रोडक्ट है यार, मतलब एक एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता मैं, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है यार यहाँ पे। और इधर की साइड देखोगे तो ये देखो इसके अंदर भी पूरा गेमिंग एनिमेशन मूवीज से रिलेटेड। और गाइस फाइनली यहाँ पे काफी कुछ है देखने के लिए और एक वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं कर सकता हूँ। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और Till then, bye-bye.